हेलो गाइस, आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे माइनक्राफ्ट के वन में। और आज मैं अकेला नहीं खेलने वाला हूँ, आज मेरे साथ खेलने वाले हैं ऑगी और जैक। अभी मैं ऑगी और जैक को बुला लेता हूँ। ऑगी और जैक आ जाओ। क्या हाल है आप लोगों के? मैं ऑगी वेनम के वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज मेरे साथ है भैया जैक। ओए ऑगी, ये वेनम कौन है? ओए तूने ऑगी, तूने बताया नहीं कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ? सॉरी वेनम, मैं भैया जैक को बताना भूल गया। ओए ऑगी, तू मुझे सब बताना भूल जाता है। सॉरी भैया, अगले एपिसोड में सब कुछ बताऊंगा। तुम बहुत भुलक्कड़ होगी, इतना भूलना नहीं चाहिए तुमको। तुम्हारी याददाश्त शक्ति बढ़ाओ थोड़ी। सॉरी वेनम, आज से मैं सब कुछ याद रखूंगा। चलो, आज मैं सोच रहा हूँ कि आज है ना माइनिंग कौन करेगा, ऑगी या फिर जैक या फिर मैं। ओए ऑगी, माइनिंग करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, आज मैं ही माइनिंग करूँगा। मैंने पूछा तो आपने ऑगी को क्यों जवाब दिया? सॉरी वेनम। ओए वेनम, मैं ही माइनिंग करूँगा। क्यों? मेरे 2.5 किलो के हाथ पत्थर को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, नींबू जैसे निचोड़ देंगे। भैया जैक, आप भी सब कुछ बोल देते हो तो ऑगी को क्या बोलने देते हो आप? वही तो, भैया जैक ही हमेशा बोलते रहते हैं, मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते। अभी छोड़ो, और आज मैं सोच रहा था आज हम लोग बनाने वाले हैं नेदर पोर्टल, और उसमें सबसे पहले जाएंगे भैया जैक, क्योंकि वो बहुत बहादुर है। आज मैं शाउट आउट दूंगा सबको। ठीक है, तुम दे दो आज। पहला शाउट आउट है और आखिरी शाउट आउट वही है, देसी तड़का। पिछले एपिसोड में हम उसको शाउट आउट नहीं दे पाए थे। देसी तड़का। अभी भैया जैक कुछ बोल ही नहीं रहे। ओए वेनम, ऑगी ने बोला कि शांत रहो, इसके वजह से मैं शांत बैठा हूँ। ठीक है, पर आपको आज पत्थर को तोड़ना है, फोड़ना है और नींबू जैसे निचोड़ना है। ओए वेनम, पहले मुझे अपना घर तो दिखा। चलो आज मैं आपको हाउस टूरी कराता हूँ। पहले बाहर कोई क्रीपर है, वो तुम्हारे वर्ल्ड को फोड़ देगा, तोड़ देगा। तो उससे पहले आप उसको तोड़ दो, फोड़ दो, नींबू जैसे निचोड़ दो। पहले मेरे को तेरे घर का टूर करा। ठीक है, ये है हमारा लिविंग रूम। ठीक है, और ये देखो, इधर सब क्राफ्टिंग टेबल है, सब ग्लूइंग स्टैंड, ग्लूइंग स्टैंड सब है। तेरे पास नेदर नहीं है तो भी तेरे पास ग्लूइंग स्टैंड कैसे आया? वो एक टूटी फूटी विलेज थी ना, तो उससे मेरे को मिल गया था, सड़ी हुई विलेज है। और तेरा बेडरूम कहाँ पर है? ऊपर है। ओके, अभी तुम कुछ बोल ही नहीं रहे हो। भैया जैक, ये देखो, दो पुतले खड़े इधर, एक आप और एक मैं हूँ, ब्लू वाला मैं और वाइट वाले आप। ओए मुन्ना, मैं वाइट कलर का थोड़ी ना हूँ, पर माइनक्राफ्ट में ग्रीन कलर का कवच भी नहीं होता। वेनम, तुम हमको बताओ ये नीचे गड्ढा क्यों है तुम्हारे वर्ल्ड में? ये है ना हमारे जो पुराना घर था ना, उधर तक एक बेस है, आपको देखना है। पहले उधर तुम स्टेयर्स लगा दो, क्योंकि तुमने उधर स्टेयर्स नहीं लगाई थी। किधर स्टेयर नहीं लगाई थी? ये देखो, मैं दिखाता हूँ, अभी अभी मैंने उधर स्लैब लगाए। तुम अच्छा, अपने ठीक है, अपने घर में अच्छे से काम नहीं करते। ओए वेनम, अपना घर थोड़ा अच्छे से रखा कर, ये ऊपर दो ट्रैप डोर क्यों लगा के रखे तूने? इधर से कौन मॉब्स आ गए? तो इधर से मॉब्स आते हैं तेरे इधर।
कभी कभी आ ही जाते हैं ना, ऊपर स्पॉन हो जाते हैं तो। पर मेरे को पहले बताओ, कौन पहले सफारी करेगा, मतलब कौन पहले घूमेगा? ओए वैनम, मैं ही घूमूंगा, तुम लोग मेरे तो पीछे पीछे बैठना। इस चेस्ट में लो एक माइनक्राफ्ट, वो लो और मत चेक करो, ठीक है? मैं आगे बैठूंगा, तुम दोनों पीछे बैठना। पर ये बॉल तो मेरा है ना। तो क्या तुमने पूछा ना? ओके ओके, ये लीवर किस लिए है? ये लीवर इसको एक्टिवेट करने के लिए है। चलो अभी मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ। तुम मेरे बहुत बढ़िया है। थैंक यू थैंक यू। वाओ मजा आ गया भैया। जैक को मजा नहीं आया क्या? ओए वैनम, मजा आ गया। तो मैं क्या सोच रहा हूँ भैया जैक, हम लोग जब माइनिंग करेंगे ना, उसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेंगे। और आगे मुझको बताओ भैया जैक को क्या क्या चाहिए माइनिंग के लिए। अरे मेरे को सब कुछ चाहिए तो आगे बताएगा। भैया आपको नहीं पता माइनक्राफ्ट में माइनिंग के लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए तुम इस भैया को 3 पिकैक्स दे दो। चलो, एक आयरन की और 2 स्टोन की, थोड़े ब्लॉक्स और थोड़ा खाना और वाटर बकेट है क्या तुम्हारे पास? होगी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तुम्हारे असली वाले घर में होगी। चलो देख के आते हैं। चलो चलो भैया, आपको गाड़ी भी चलानी नहीं आती। ओए आगे तो थोड़ी ना दिख रहा है गाड़ी कहाँ पर चाहिए। भैया जैक, आपने ओगी क्यों बोला? आप तो इसको मुन्ना बोलते थे ना। अरे पर मुन्ना अभी बड़ा हो गया है तो वो बोलता है मेरे को मुन्ना मत बोलो, वरना तो मैं ऐसे ही बोलता था। सच में ओगी? भैया जैक झूठ बोल रहे ओए वैनम, मेरे हिसाब से तो ओगी अभी तक छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना। ओगी मैं अभी तक भैया जैक से छोटा ही हूँ। चलो ये वाटर बकेट ले लेते हैं, अगर लावा आएगा तो उसको हम ऑब्सीडियन बदल देंगे। भाई ओगी, मैं बोल रहा हूँ कि है ना, तुम बड़े अच्छे इंसान हो, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, तुम्हारे भाई पे भी भरोसा कर रहा हूँ, तो है ना तुम लोग अच्छे से माइनिंग करना, ठीक है? ओए वैनम, मैं माइनिंग कहाँ पर करूँगा? तुम माइनिंग मेरे सीक्रेट बेस से करना। वैनम, तुम्हारा सीक्रेट बेस कहाँ पर है? हमारे जो पुराना घर है ना, उससे लेफ्ट लो मिल जाएगा। ओके ओए वैनम, मैं गाड़ी से तुम्हारे पुराने घर पे जाऊंगा, बाहर क्रीपर है। पर इस बार आगे मैं बैठूंगा। ठीक है, पर चलाऊंगा तो मैं ही। पर मेरे को तोड़ना मत। ओ जाए ओए गाड़ी, गाड़ी कहाँ पर भाग गई वैनम? अभी आपको चल के ही जाना पड़ेगा भैया। भैया आप गाड़ी को अच्छे से नहीं रख सकते थे? भैया जैक को तो कुछ आता ही नहीं। ओए वैनम ऐसे मत बोल, गलती से लग गई। आप अभी बोलना मत, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नींबू जैसे निचोड़ दूंगा, ऐसा बोलोगे तो मैं आपको नींबू जैसे निचोड़ दूंगा। ओए ओगी, वैनम ने तो लिंबू तो लिंबू का नाम रखा था, तो उसके जैसे मैं कैसे निचोड़ूंगा? ओए वैनम, तेरे इधर तो विलेज ही है, तो विलेजर को अपने घर पे क्यों नहीं रखता? भैया जैक, ये सड़ी हुई विलेज है, बहुत बेकार विलेज है, आपको एक्सप्लोर कराऊंगा मैं बाद में, टेंशन मत लो। वैनम, तुमने तो भैया जैक को टॉर्च भी नहीं दी। क्यों चाहिए टॉर्च? माइन पे आ रहे हैं ना। तो मैं क्या कह रहा था, टॉर्च लगाने में भैया एक्सपर्ट है ना। हाँ ओगी, ओगी क्यों बोलेगा, एक्सपर्ट तो मैं हूँ। ओगी कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए ओगी तो बहुत झूठ बोलता है। ओगी सच में? भैया जैक झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो है ना, मैं क्या सोच रहा हूँ, आप घर के बाहर भी
मैं तो बहुत आलसी हूँ, ऐसे नहीं लग जाती। ठीक है वैनम, लगा दूंगा। तू भी तो आगे जैसे, ये मेरा छोटा भाई। थैंक यू भैया। वैनम, तुम्हारे घर पे टॉर्च कहाँ पर पड़ी है? वो हम आपने हमारा जो था ना पार्ट, उसका थर्ड एपिसोड तो देख ही लिया होगा। वो देखा है, उसमें हमारे पास टॉर्च मतलब कोल था ही नहीं, बहुत मुश्किल से मिले 38। उससे भी आप लोग को है ना टॉर्च बनानी पड़ेगी। ओए वैनम, मैं जब माइनिंग करूँगा तब कोल ही कोल मिलेगा, बहुत सारा कोल मिलेगा, बहुत सारा। अभी कोल की कमी नहीं है हमारे वर्ल्ड में। पर तेरे पास तो अभी 38 कोल ही था, क्यों? अरे वो क्या हुआ, अभी है ना हमने तोड़े नहीं है ना बहुत सारे। ओए वैनम, तेरे खेत में इतने कम जानवर क्यों है? इधर एनिमल्स बहुत कम स्पॉन होते, क्या करूँ? वो देखो, उधर एक ट्रेडर है, उस ट्रेडर को तोड़ देते, फोड़ देते, नींबू देते, निचोड़ देते। जी तुम भी कुछ बोलो। भैया जैक, आप हमेशा तोड़ते फोड़ते क्यों रहते हो? ओए मुन्ना, एक अब से मस्ती करा जा रहा है, इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा, फोड़ना ही पड़ेगा। भैया जैक, ये देखो हमारे ऊपर थूका। ओए पहले मुझे तेरे ट्रेड्स दिखा। अरे तुम तो बहुत घटिया ट्रेड्स देते हो। तुम्हारा कोई मतलब नहीं है भैया जैक, मार दे। ओए रुक, भागता का है, मार दिया। ओए बच्चे, इतना छोटा होके भी तेरा मुंह इतना बड़ा कैसे है? भैया जैक, माइनक्राफ्ट में ऐसे ही होता है। आप टॉर्च लगाइए ताकि मॉब स्पॉन ना हो यहाँ पर। ओए वैनम, तू टॉर्च नहीं लगा सकता है क्या? मैं बहुत आलसी हूँ। तू अपने आप को आलसी समझता है? मैं नहीं समझता, मेरे जो बड़े भैया है ना वो मेरे को आलसी समझते हैं। तेरे बड़े भैया अच्छे है। तुम क्यों बोल रहे हो वो अच्छे? वो बड़े गंदे है। बहुत अच्छे भाई है वो, तुमने देखा है क्या उनको? तो कभी वो लिम्बो की वीडियो में स्मार्टनेस से सभी पजल सॉल्व कर रहे थे। लगता है जैक भैया भी झूठ बोल रहे हैं। ऑगी से पूछना पड़ेगा। ऑगी, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? कुछ बोलना। वैनम, तुम्हारे बड़े भैया तुमसे बहुत होशियार है और वो बहुत अच्छे भी है। आप लोग मेरी ऑन द स्क्रीन बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ओए वैनम, हम तुम्हारी बेइज्जती नहीं, सच्चाई बता रहे हैं। तुमने तो पिछले एपिसोड में सबको बोला था कि तुम एक केव भी एक्सप्लोर करोगे, तुमने अभी तक वो केव एक्सप्लोर भी नहीं की। हमारे पास पर्सनल माइंड है, हम इस फालतू केव को क्यों एक्सप्लोर करें? वैनम, बढ़िया जैक को तुमने थोड़ी सी लकड़ी भी नहीं दी। तो तोड़ लो ना, आपके 2 किलो हाथ का इस्तेमाल कब करोगे भैया जैक? ओए वैनम, मेरे 2.5 किलो के हाथ दुश्मन को मारने के ही काम आते हैं। लकड़ियाँ तोड़ के देखो, मजा आएगा। वैनम, तुम्हारे इस लीवर को तुम कभी चालू नहीं करते हो क्या? शायद से ये जो ना लगाता ना मैं तो अच्छे से काम नहीं करता, पता है? ओए वैनम, अभी सो जाते हैं, मैं ही सोऊंगा, मेरे को बहुत नींद आ रही है। दो बेड है। ओगी तुम दूसरे बेड में सो जाओ, जैक भैया आप दूसरे बेड में सो जाओ, मैं अकेला जगा रहूंगा क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही है। ओके, स्वीट ड्रीम ओगी एंड जैक। इस आदमी के पास डायमंड की चड्डी क्यों नहीं है? क्योंकि ये चड्डी नहीं पहनता, ये है ना जांघिया पहनता है। तुम्हारे पास डायमंड नहीं है क्या? डायमंड की कमी है भाई। तो फिर तुम जूते की जगह एंचेंटमेंट टेबल बना देते तो और अच्छा होता। ऑगी,
तुम्हारे भाई को समझाओ ना, मेरे उस टाइम दिमाग नहीं चला। भैया जैक, आप भी ना बेचारे वेनम को परेशान कर रहे हो। अरे मुन्ना, मैं तो बस बता रहा हूँ कि अगर एंचेंटमेंट टेबल बना दिया होता तो फॉर्चून 3 से डायमंड थोड़े ज्यादा ही मिलते। तो फिर मेरे पास बुकशेल्फ तो थे नहीं, कैसे बनाता? वेनम, भैया जैक सही कह रहे हैं, तुम्हारे पास शुगर केन तो है, तुम उससे बुकशेल्फ भी बना सकते थे। अगले एपिसोड के अगले एपिसोड में मैंने स्टार्ट की थी एनिमल फार्मिंग, मेरे पास दूध वही है काओ और ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं क्या करूँ? वेनम, तुम अपने फर्नेस में इतने सारे चीज़ें क्यों रखते हो? 6 आयरन पड़े थे और बाकी फर्नेस में तो कोल भी नहीं है। वो क्या हुआ भैया जैक, आज है ना मैं बिल्कुल माइनिंग के मूड में नहीं हूँ, तो आप आज माइनिंग कर लो ना, और उसका हम फास्ट फॉरवर्ड करने वाले हैं, तो अभी माइनिंग करते हैं। हाँ हाँ, एकदम सही बोल रहा है, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो सब लोग बोर हो जाएंगे। वेनम, हम तुम्हारे पर्सनल में माइनिंग करने जा रहे हैं, इधर से पेड़ तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें थोड़ा वुड मिल जाए। भैया जैक, मैं सोच रहा हूँ कि है ना हम लोग है ना आत्मनिर्भर बना के छोड़े, ठीक है? ओए योगी, तेरे भाई के होते हुए तू उदास मत होना, आज हमने दर बना के ही करेंगे, और अगर नहीं भी बने तो भी चलेगा। अरे वेनम, तुम्हारी ग्राफिक्स इतनी अलग कैसे है? क्या ये आरटीएक्स है? आरटीएक्स तो कह नहीं सकते इसको, पर ये माइनक्राफ्ट की ग्राफिक्स है, खतरनाक ग्राफिक्स। अच्छा बताओ, तुम स्टोन को कहाँ से तोड़ोगे, फोड़ोगे, लिंबू जैसे कैसे निचोड़ोगे, बताओ? भैया जैक, आपका जहाँ पर मन करे आप उधर ही तोड़िए। ओए वेनम, मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाके तोड़ूंगा। भैया जैक, ओए वेनम, तुमने इधर से कोल क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मेरे भैया मेरे साथ नहीं थे इसलिए, और मेरे को अंधेरे में बहुत डर लगता है, और कोल तोड़ना मेरे को शोभा नहीं देता, मैं अभी बहुत रिच पर्सन हो गया हूँ। पर तुम्हारे पास तो 1 स्टैक कोल भी नहीं है। तो क्या आपने कोल को तोड़ दिया, फोड़ दिया, लिंबू जैसे निचोड़ दिया, बस हो गया ना? थोड़ा ज्यादा ही कोल तोड़ के रखता हूँ, आगे के लिए काम आएगा, तुम्हारे घर पे भी रख देना थोड़े। ऑगी बहुत कम बोलता है यार, ऑगी कुछ बोला करो। अगर तुम मेरे को बोलने दोगे तभी तो बोलूंगा। भैया जैक, अभी ऐसे ऑगी बोलेगा हम लोग चुप रहेंगे, ठीक है? भैया जैक, मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़े आगे जाके माइनिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेनम ने पहले से ही माइनिंग करके रखी है, तो फिर इधर कुछ मिल नहीं सकता हमें। ऑगी इसको ऑगी इसको ढकने की जरूरत नहीं है। और माइनिंग तो आज भैया करने वाले थे ना, तुम कोबलस्टोन क्यों लगा रहे हो? तुमने ही बोला, मैं बोलूं इसके वजह से थोड़ा आगे दौड़ते हैं। मैंने तो सिर्फ बोलने का बोला, आपने तोड़ा क्यों? तोड़ने का काम तो जैक का था ना। अरे भैया जैक, अब आप माइनिंग करिए। अभी मैं इसको सोचा पासवर्ड होता था, और भैया जैक एक बार बोल दे, तोड़ दूंगा लिंबू जैसे निचोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा इन पत्थर को, फोड़ दूंगा लिंबू जैसे निचोड़ दूंगा। चलो अभी पासवर्ड होते मजे उठाओ।
ओए वेनम, डायमंड मिल गए। वाह भैया देख, आपने तो सच्ची में बहुत अच्छा किया। भैया जैक सिर्फ दो डायमंड ही तोड़ना। दो ही डायमंड तोड़ूंगा। ऑगी ने बोला ना कि एन्चेंटमेंट टेबल बना देना। हाँ अभी है ना, हम लोग पूरा कर लेंगे। मुझे आ गया भैया जैक, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू भैया जैक। मैंने अभी दो डायमंड तोड़े और इधर कितने और पड़े हैं? इधर पड़े हैं 1, 2, 3 और 3 डायमंड और पड़े। थोड़ा नीचे भी खोद के देख लेता हूँ एक बार। 3 डायमंड और हैं। अगर हम इसको फॉर्च्यून 3 से तोड़ेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ही मिलेंगे। तो भैया जैक, अभी हम लोग बना लेते हैं हमारा एन्चेंटमेंट टेबल और फिर इन डायमंड को तोड़ेंगे और देखेंगे कितने डायमंड हम लोगों को मिलते हैं। ठीक है, वैसे हम लोगों को 3 और मिल गए। पर तुम आज तो नदर पोर्टल बनाने वाले थे। ओए मुन्ना जाने दे। ओ ओ ओ ओ मुन्ना, पानी पानी। ओ ओ ओ बंद करो, पानी को बंद करो। ओए पानी ने तो तोड़ दिया, फोड़ दिया, नींबू जैसे निचोड़ दिया। भैया जैक, आज तो हम बार बार बचे। लैपिस लजुली, इसको हम फॉर्च्यून 3 से तोड़ेंगे तो थोड़ा और मिलेगा, क्योंकि लैपिस लजुली की भी बहुत कमी है। चलो हम नेदर पोर्टल कभी और बना देंगे। ओए मुन्ना, मैं तो बोला ही था मैं बहुत अच्छे से माइनिंग करता हूँ, और जब मैं माइनिंग करने के लिए निकला और मुझे मिला डायमंड। भैया देख, आपने तो नहीं थी माइनिंग के लिए। अरे भैया, तुम इतने चुप क्यों बैठे हो? मैं सोचा हम आपके एक्टिव लुक कर लो, और आपके एक्टिव नहीं कर सकता क्योंकि प्रोफेशनल तो आप ही हो। जिसका काम उसी को साजे, और करे तो दंगा बाजे। ये क्या है, इधर इतना काला काला क्यों है? देख लिया। चलेगा, भैया जैक ने तो 2 डायमंड ढूंढ लिया आज। बाहर सुबह ही होने चाहिए, अगर रात हुई तो खतरे बहुत ज्यादा है। पर डरो मत जैक, भैया उन लोग लोगों को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, नींबू जैसा निचोड़ देंगे। अरे मैडम तू टेंशन मत ले, आज तो मैं तेरे को फुल्ली पावर एन्चेंटमेंट टेबल बना के दूंगा। बाहर तो हो रही है। भैया जैक, मेरे साथ बहुत भूला हुआ था, मैंने 6 पार्ट में बना दिया था एन्चेंटमेंट टेबल, पर वो अचानक हो गया, मतलब मेरे डायमंड मेरे को मिल गए थे और मैंने उसका आर्मर बना दिया। क्या करूँ? गेम को 7 क्विट नहीं किया था क्या? था तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ? माइनक्राफ्ट में कभी ना कभी खूब सारे ग्लिचेस होते ही रहते हैं। पर मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ। एक बार मैंने जो डायमंड का आर्मर बनाया था ना, तो है ना वो भी कभी नहीं हुआ, मतलब रिस्पॉन हो गया, मुझको वापस बनाना पड़ा। माइनक्राफ्ट कभी ना कभी ऐसा होता ही रहता है। अगर कभी वर्जन अपडेट आएगा तो ये माइनक्राफ्ट के डेवलपर इसको ठीक कर देंगे। अभी मैं एन्चेंटमेंट टेबल बनाता हूँ। वेनम, तुम्हारे पास बुक तो है ना? बुक नहीं है भैया जैक। लेदर तो है, अभी एक बुक बना देते हैं। तुम्हारे पास पेपर्स भी नहीं है, चलेगा। तुम्हारे पास शुगर केन है। भैया जैक, ऑगी को समझा लो कि एक रिच मैन से बोले कि ये नहीं है वो नहीं है, मेरे पास सब है, पर सिर्फ है ना वो नहीं है मेरे पास बुक्स, लेदर। वो मेरे को काउ से मिलता है और लामा से मिलता है, पर मैं मेरे उल्टी शुलती को नहीं मार सकता। और आपने उल्टी शुलती को देखा भैया जैक एंड ऑगी? देखा ना। कैसी है? अरे वो तो एक ट्रेडर की लामा है। ओए ऑगी, ट्रेडर की हो तो क्या, पर है तो वेनम की ना। चलो तुम्हारे पास ऑब्सीडियन कितने हैं? भैया जैक,
आपको मालूम था उस ट्रेडर का नाम क्या था? मेरे को पता है। क्या? चंदू चाचा। बिल्कुल सच बोला है ऑगी ने। 1 करोड़ रुपए मिलते हैं ऑगी को। मेरे 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में जल्दी आने चाहिए। नहीं आए तो क्या होगा? ओए मुन्ना, अगर इसने 1 करोड़ नहीं दिए तो मैं इसको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। जैक, हाथ तो लगा के दिखा, मैं तुझको तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। अरे वेनम, तू मेरी लाइनी मेरे ऊपर बोलेगा, रुक अभी मैं तेरे को क्रीपर के सामने लेके जाके फोड़ देता हूँ। आप में इतना भी दम नहीं है कि आप खुद मेरे को फोड़ो? आपको डर लग रहा है ना कि मैं आपको फोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, नींबू जैसे निचोड़ दूंगा। आप लोग झगड़ा मत कीजिए। अभी उसको समझाना जैक को। भैया जैक, शांत हो जाइए। अरे मुन्ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब वेनम ही करा था। वेनम, भैया जैक को सॉरी बोलो। आप भी मेरे को बोलो, भैया जैक सॉरी, मैं उनको बोल दूंगा। ओए वेनम, सॉरी। सॉरी जैक भैया। अब से कोई लड़ाई मत करना। ले आगे एक थप्पड़ मार दे तेरे को। वेनम, तूने मेरे भाई को मुक्का मारा, अभी देख। जैक भैया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, आप भी एक थप्पड़ मार लो। जाने दो, अभी हम अपने काम पे आते हैं। पता है जैक भैया, ऑगी बड़ा डरपोक है, पता है? मैं डरपोक नहीं हूँ। मैंने जैक भैया से बोला है। पर बोला तो मेरे बारे में है ना। जैक भैया, आप तो कुछ बोलिए। ओए वेनम, तू मेरा भाई को डरपोक मत बोल, वो मेरा भाई है। किसका भाई है? मेरा भाई है। मेरा तो सबका मेरा ही होता है, मेरा भी तो भाई है, वो आपको तोड़ देगा, फोड़ देगा, नींबू जैसे निचोड़ देगा। तुम्हारा भाई तो बहुत अच्छा है, वो किसी को नहीं तोड़ेगा। मैं अभी उनको बुलाता हूँ। भैया, जैक भैया मेरे को है ना मार रहे हैं। ओए जैक, मेरे भाई को क्यों मार रहा है? ओए भैया, मैंने मैंने नहीं मारा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलता है? नहीं, मैंने बोला तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नींबू जैसे निचोड़ दूंगा। अभी बोल रहा है कि मैं मानसू भैया को भी तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। तुमने मेरे को मैनशु क्यों बोला? मैनशु कौन है? मैनशु वो एक कहावत है, मैनशु चैनशु। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। साथ बोलूँ ना तो ये मैनशु क्या है बताऊँ? मेरे हिसाब से इस वर्ल्ड में कौन होगा, मतलब चुड़िया उड़िया का नाम होगा। मैनशु भैया जैक। अरे वेनम, मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हें ना क्या कहते हैं, एक घोड़े का नाम मैनशु रख देना। हाँ, मेरे भैया थे ना, मेरे भैया। मैं अभी भी इधर ही हूँ, क्या थे? नहीं, जैक को बोल रहा हूँ। ओए वेनम, मैं तुम्हारा भैया कब से हुआ? अरे मैं जो मेरा भैया है ना, मैं उनके बारे में जैक भैया को बोल रहा था ऐसे। मैं मेरे जो ये भैया है ना, उन्होंने बोला कि अपने घोड़े का नाम मैनशु रखना, तो मैंने बोला अजीब नाम नहीं है, तो मैंने बोला मेरे भैया है ना, उनको बोला कि मैनशु भैया, क्योंकि तो उनको घोड़े का नाम पसंद आया था ना मैनशु। तो मैनशु का मतलब क्या होता है भैया? मेरे को क्या पता, तुमने रखा है। आपने तो बोला था मैनशु। मैनशु मैंने कब बोला, मैंने तो बस शेट क्रीपर है उधर। ओए, मैं इस क्रीपर को फोड़ूंगा, तोड़ूंगा, नींबू जैसे निचोड़। आपने फोड़ोगे तो ये फूट ही जाएगा। ओ नो, इसने तो गड्ढा मोटा कर दिया। ओ नो, बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया। भैया जैक, आपने तो गड्ढा बड़ा करवा दिया। मैं सोच रहा हूँ भैया जैक, इसको तोड़ लो, शुगर कैन को तोड़ दो, फोड़ दो, नींबू जैसे निचोड़ दो।
वेनम कुछ काम मेरे को तो करने दो। सब भैया आप बुक शेफ बना देना ना। और तुम क्या करोगे? आज मैं आराम कर रहा हूँ। पर तुमने घोड़े का नाम बड़ा घटिया रखा है मेंसू। मैं बोल रहा हूँ घोड़े का नाम मेंसू मत रखना। ओ मेरे भैया मानसून बोल रहे थे, मैंने मेंसून सुन लिया, ऐसा क्या? हाँ मैंने बोला इसमें अभी बाहर बहुत मानसून चल रहा है। सच बोल रहा हूँ, मेरे को लगा मेंसू घोड़े का नाम नहीं। एक बार हम लोग टाइम में बात कर रहे थे कि हम घोड़े का नाम क्या रखेंगे हैं, तो मेरे भैया ने बोला ये जो मानसून होता है ना बाहर वो बहुत है ना गंदा होता है क्योंकि इस पूरा आर्टिस्ट बिगाड़ देता है। हाँ तो मेरे को सुनाई दिया घोड़े का नाम मेंसू। फिर मैंने बोला ये मेंसून भैया है ना, मेंसून भैया। मैंने क्यों बोला मेंसू, क्योंकि घोड़े की बात चल रही थी ना, तो मेंसू भैया नाम ऐसा गंदा है ना, और कि सच में गंदा है ना, बहुत घटिया नाम। अरे वेनम के भैया, वेनम ने वीर से पूछा और आपने बोल दिया। वेनम तुम्हारे शुगर केन की खेती तो बहुत बढ़िया है, इसमें एक बारी में 1 स्टैक शुगर केन्स निकल गए। अगर तुम इधर भी लगाओगे तो थोड़े ज़्यादा ही शुगर केन निकलेंगे। मैं तुम्हारा शुगर केन फार्म थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ, थोड़ा इधर भी लगा देता हूँ। भैया जैक मेरे को बताओ, और मेरे भैया आप चले जाओ, आप आपकी पढ़ाई करो। वेनम तुम पढ़ाई नहीं करते? और पढ़ाई करता हूँ मैं, पर 2 बजे मतलब मेरी टाइमिंग फिक्स है कि मैं किस टाइम क्या करूँगा, किस टाइम क्या करूँगा। अभी मेरा रिकॉर्डिंग टाइम है ना, और अभी भैया का मतलब पढ़ाई टाइम है ना, इसलिए। वेनम तुम्हारे इधर थोड़ा लेदर कम है, उस गाय को बुला दो ना भैया। तुम्हारा भैया तो चला गया। मैं जैक भैया बोल रहा हूँ। ओए वेनम तू नाम लेके बोला कर, कंफ्यूजन होता है। इस गाय को तो मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नींबू जैसे निचोड़ दूंगा। चलो इतने लेदर दे दिया। एक लेदर से क्या होता है? तीन पेपर से, तीन लेदर से बनता है बुक, है ना? तीन बुक और 6 लकड़ी से एक बुक शेल्फ बनता है। इतना महंगा? अरे कोई गाय दे ही नहीं रही है। क्या नहीं दे रही? दूध? लेदर नहीं दे रही है। उनको तोड़ डालो, तोड़ डालो, नींबू जैसे निचोड़ डालो। ओगी तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। तुम दोनों चुप रहोगे तभी तो मैं बोलूंगा। अभी भैया जैक आप चुप रहो, सिर्फ ओगी बोलेगा। हमें लामास चाहिए होगी, लामास से लेदर जरूर मिलता है। तो आगी मेरे फार्म में फालतू लामा हो तो मार दो, तोड़ दो, फोड़, इनको मत मारना, ये मेरी फेवरेट लामा है। उल्टी और है सीधी, क्या हुआ? उल्टी थी जो मेरी लामा थी, पर वो चंदू कांगा ने चुरा दी थी बहुत जगह से, फिर मैंने वो छीन ली उनसे गाय, क्या क्या लामा। और भैया जैक कब बहुत चुप हो गए। भैया जैक आप इतने शांत क्यों हो? ओए आगी इधर तो वो मिल ही नहीं रहा। क्या नहीं मिल रहा? लेदर। लेदर बहुत कमी है। मेरे को एक केव मिली है, मैं इसको भैया जैक उधर मेरे को सैंडस्टोन दिखा था, इधर भी सैंडस्टोन ही है, मतलब तो ये थोड़ा सैंड डेजर्ट में होगा। तो भैया जैक हम थोड़ा वो कैक्टस तोड़ के आ जाए क्या? इधर आयरन पड़ा है उसको तोड़ लेते हैं, काम आएगा। वैसे भी तुम्हारे पास आयरन बहुत कम है, पर 3 आयरन ही मिला। भैया जैक
और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अरे वेनम मत जाओ, उधर थोड़ी शुगर केन्स पड़े हैं, वो ले लेता हूँ मैं। भैया जैक और ऑगी आप दोनों में से कौन प्रो है? ओए वेनम ऑगी प्रो है क्योंकि उसको सब रेसिपीज आती है। तो भैया जैक आप ऑगी को खेलने दे दो, नीचे ग्राउंड है। ऑगी आज का गेम प्ले तुम खेलो और भैया जैक आप उसकी मदद करो, कौन भी माउस आए तो तोड़ डालो, फोड़ डालो, लिम्बो जैसे निचोड़ डालो, ठीक है? आज अभी मैं थोड़ा आराम कर रहा हूँ। नीचे तो खूब सारे ड्राउंड हैं, इधर एक टर्टल पड़ा है, कोई लेदर ही नहीं मिल रहा, इधर एक समुंदर है। अब के इधर समुंदर है। वेनम हाँ? कुछ बोल के नहीं आए? मैं अभी आप दोनों बात कर रहे थे, मैं कैसे बोलूं? तुम बोलो, ये तो तुम्हारा ही वर्ल्ड है, इसमें तो खूब सारे ग्राउंड भी है। तुम तो तोड़ डालो भैया जी, फोड़ डालो, नींबू जैसे निचोड़ डालो, मेरे तो क्यों देखनी है। भैया जैक मैं क्या बोल रहा हूँ, इतनी बड़ी गेव इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आयरन भी नहीं है। मेरा वर्ल्ड तो एकदम बेकार है, डेजर्ट टेंपल भी नहीं मिलता इसमें। बस डेजर्ट तो था पर घूम गया मैं, तो किधर और ही आ गया यार। थोड़ा आयरन पड़ा था होगी, ध्यान से देख। भैया आपकी आंखें तो बहुत तेज है, रात हो रही है पर हमें जल्दी से घर पे जाना होगा। लगता है भैया जैक की देखने की पावर बहुत तेज है। मैडम तुम इतने कम क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ भैया, आप दोनों ही बात कर रहे हो, मेरे को तो बोलने नहीं दे रहे हो। और आयरन मिला रे। ओहो आ तो आयरन की मजा ही आ गया, मतलब आयरन ही आयरन। इधर थोड़ा घूमते हैं, इधर डायमंड भी मिल सकते हैं। भैया जैक आज तो आपने मेरे को दो डायमंड दे दिए, थैंक यू। भैया जैक बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, हम लोगों को इस एपिसोड को बहुत जल्द खत्म करना पड़ेगा। आपको मैं अगले एपिसोड में मिलूंगा, अभी थोड़ा सा और खेल लेते हैं माइनक्राफ्ट। थोड़ा सा खेलते हैं तो मजा नहीं आता, पर थोड़ा और खेल लेते हैं, क्या है? आप दोनों कुछ बोल के नहीं रहे हो? अभी हम लोग थोड़ा सीरियस होके खेल रहे हैं, तो अभी कौन भी कुछ भी नहीं बोलेगा, अभी सिर्फ देखेंगे सब लोग, ठीक है? हम लोग कहाँ से आए थे? मेरे को मालूम नहीं। हम लोग थोड़े ऊपर से आए थे, मेरे को याद है। अरे मुन्ना मेरे को और आयरन मिल गया। भैया जैक आप आयरन की बात कर रहे हो, हम लोग हमारा रास्ता ही नहीं मिल रहा हमें। ओए मुन्ना तू टेंशन मत ले, मेरे को सब रास्ते याद है। भैया जैक मैं आपके भरोसे इधर माइनिंग कर रहा हूँ। वेनम तुम इतने सारे शुगर केन्स लेके माइन में आ गए? भैया जैक आए, मैं नहीं आया। भैया जैक अगर हम मर गए तो हमारे शुगर केन्स सब चले जाएंगे। ओए मुन्ना तू नेगेटिव क्यों सोचता है? होगी तो नेगेटिव है, हम लोग पॉजिटिव है ना जैक भैया। हम लोगों को थोड़ा इतनी लाइट क्यों लग रही थी उधर? पानी नहीं लावा है। लावा होगा तो तुम्हारा नेदर आज ही बनाएंगे। तो भैया जैक आज ही नेदर बनवा लेते हैं, और हमने बकेट ऊपर रखा है, तो हम उसमें पानी डाल के, और हमारे पास अभी तक
उसकी नहीं है, डायमंड की पिकैक्स नहीं है भैया जैक। और भैया जैक, हमने एन्चेंटमेंट टेबल सही सलामत रख तो दिया ना। ओए वेनम, मैंने तुम्हारे चेस्ट में उसको रख लिया था, पर अभी हमारे पास खूब सारे शुगर केन थे, हमें उसका ध्यान देना होगा। अरे यार, शुगर केन तो ऐसे मिल जाते, हमने फार्मिंग की हुई है, उसकी टेंशन मत लो। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है क्या? हमारे पास 20 और आयरन आ चुके हैं। अभी तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, अभी मैं चुप रहूंगा और आगे भी बोलेंगे। तुम क्यों चुप रह रहे हो? ये तो तुम्हारा ही चैनल है। इधर तो बस एक ही आयरन है, एक ही लावा है। एक ही है क्या? आयरन भी एक ही दिख रहा है ना? आयरन दो है। लावा सोर्स को हम पानी के सोर्स में बदल देते हैं, कैसा आइडिया? लावा को अगर पानी में बदलेंगे तो फिर एक कोबलस्टोन बन जाएगा। हम लोगों को बहुत सावधानी से जाना पड़ेगा। चलो इधर, हमें थोड़ा और आयरन मिल चुका है। ओए ओगी, हम लोग कहाँ पर गए? ओगी, मॉब्स की आवाज़ आ रही है मेरे को। भैया जैक, इसलिए मैं बोलता हूँ सावधानी से कहाँ भी घूमो, और ओगी को भी थोड़ी मेहनत सिखाओ, कहाँ भी गिर जाता है उसको खुद पर काबू ही नहीं। कौन मार रहा है? स्केलेटन मार रहा है। ओ स्केलेटन, अभी रुक, अभी तेरे बैंड बजाता हूँ। मेरे को मारेगा तू? मेरे को ही मार रहा है। भैया जैक, इस हड्डी पसली ये कर लो। भैया जैक, ऐसे तो हमारी शील टूट जाएगी, उसे तोड़ दो, लिंबू जैसे निचोड़ दो। अरे आयरन की तलवार से भी नहीं मर रहा। मर गया। चलो हम लोग घर पे जाते, बहुत खतरा है यहाँ पर। भैया जैक, आपको रास्ता मालूम है? भैया जैक को रास्ता याद है कि नहीं? भैया जैक, आप बताइए। ओए ओगी, मेरे को थोड़ा थोड़ा रास्ता याद है। भैया जैक, ऐसे तो हम घूम जाएंगे यार। आयरन के चक्कर में मैं नीचे गिर गया, आयरन तो लेके ही जाऊंगा। भैया जैक, अभी हम लोगों को घर पे जाना चाहिए, बाहर बहुत अंधेरा हो गया होगा। बहुत ज्यादा ही अंधेरा हो गया, फटाफट घर पे चलते हैं। को तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, लिंबू जैसे निचोड़ देंगे। मॉब्स की इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरे को मार सके। मैं हूँ फौजी जैक, दुश्मन की हड्डी करता हूँ क्रैक। भैया, अब किधर जा रहे हो? क्रीपर फूट गया। भैया जैक, आपको रास्ता तो याद है, आप मेरे को घर पे तो पहुंचा देंगे ना? ओए वेनम, तो टेंशन मत ले, मेरे को बिल्कुल रास्ता याद ही नहीं। मेरे को रास्ता मिल गया। मेरे को स्लाइम की आवाज आ रही है। स्लाइम को मार ही देते, कभी काम आएगा स्लाइम बॉल। स्लाइम बॉल से क्या बनता है मेरे को बता दो ना भैया। थोड़ी लीड बनती है, पिटन से बनते हैं। होगी, तुमको तो सब मालूम है, तुम मेरे से भी पिटो यार। मेरे को सब रेसिपीज याद रहती हैं। कैसे? तुम्हारी यश भी तो बहुत तेज है होगी। थैंक यू।
भैया जैक तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ओए हमें मिल चुका है स्पॉनर। यस स्पॉनर, वो भी जॉम्बी स्पॉनर मिल चुका है, मतलब हम इसको ग्राउंड फार्म में बना सकते हैं। मुझे आ गया यार। अरे वेनम, मैंने सुना कि जैक बोल रहा है आयरन इंगोट। अरे वेनम, मैंने सुन सैडल, एक और एक बकेट। अरे वेनम, अभी अभी भैया जैक बोल रहे थे कि तुम्हें वो मिल चुका है स्पॉनर, तो मैं आया बीट रूट सीड्स। भैया आप तो बड़े तेज हो यार। तो वेनम का ही तो भाई हूँ। कोऑर्डिनेट्स नोट कर लो प्लीज। कोऑर्डिनेट है 340 55 248। बहुत अच्छी चीज, क्योंकि हम लोगों को माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लेते हैं। चलो मुझे आ गया, तन 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 ले ले स्क्रीनशॉट। ओए वेनम, मैंने तो सही काम के लिए इधर आया था और मेरे को मिल चुका है मॉब स्पॉनर। तो भैया जैक बोल दे थैंक यू भैया जैक। और मैं सोचूं कि हम इधर ही रुकते हैं थोड़ी देर के लिए और इस एपिसोड को खत्म कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम घर पे चलते हैं, मेरे को रास्ता याद है, हम इधर का भी रास्ता याद कर लेंगे, तू टेंशन मत ले। हमने इधर एक एरो बना देते हैं। ये अच्छे से क्यों नहीं लग रहा, ये लो मैंने एक एरो बना दिया है। चलो अभी हम लोग घर चलते हैं। भैया जैक, आपको रास्ता तो याद है, कैसे याद है मेरे को बता दीजिए। भैया जैक की याददाश्त भी मेरे जितनी अच्छी है, मतलब सबसे अनप्रो मैं ही हूँ इस बॉल में। एकदम सही बात कही। ए ओ, ये तू मेरे पूरी स्क्रीन में बेइज्जती क्यों कर रहा है। अरे वेनम, ओगी तो सच्ची बात ही कह रहा है। ओगी तो झूठ बोलता ही रहता है। अरे वेनम, मेरे को हल्का फुल्का रास्ता याद नहीं आ रहा। अरे अरे, मेरे को याद आया। ये देखो ऊपर, थैंक यू बोलो मेरे को, मेरे वजह से तुम्हें स्पॉनर मिल गया। अनथैंक यू भैया, अनथैंक यू क्यों बोला? क्योंकि आपने ताता थैया नहीं किया। मेरे को ताता थैया करना भी नहीं आता। तो हुली वुली कर लो। अरे तुम लोगों ने मेरा एक एपिसोड नहीं देखा होगा, ओगी जैक का, जिसमें पपलू मेरे को कुच्ची पूरी करने को बोलता है। हाँ मैं वही बोल रहा था, कुच्ची पूरी। इधर मैं एक माँ बना देता हूँ। थोड़ा बड़ा बनाओ ना भैया जैक। अरे वेनम, और कितना बड़ा बनाऊँ? तो भैया जैक, मैं बोल रहा था आप वीडियो के लास्ट में कुच्ची पूरी कर लेना, मुझे आ जाएगा। तुम्हारा हो जाएगा। घर किस तरफ है भैया जैक? मेरे को कोऑर्डिनेट तो मालूम ही नहीं, मतलब कोऑर्डिनेट तो मालूम नहीं, कैसे बताऊं मैं आपको? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। इस रेनबो के उल्टे तरफ था, रेनबो के उल्टे तरफ मतलब इस तरफ था, तो इस तरफ। वो देखो, मुझे तुम्हारा खेत दिखा हल्का फुल्का, वो देखो तुम्हें दिख रहा है क्या? थैंक यू भैया जैक, आपने मेरे सब चीज़ें दिखती है, थैंक यू। रुको मैं इधर भी मार्क बना देता हूँ एक छोटा। रस्ते पे कोबल स्टोन रख के आते हैं भैया जैक। हम अगले या फिर उसके बाद वाले एपिसोड में इधर हम वो करेंगे, एक ड्राउंड फार्म बनाए या फिर एक्सपी फार्म, आप लोग कमेंट में बताइए। मेरे को बताइए, हम सिल्क टच की पिकेक्स से स्पॉनर को तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते, अगर ऐसे ही तोड़ लेते तो आप लोग अपने घर पे इस्तेमाल कर देते उसको। सही बोले हो। चलो अभी मैं सोच रहा हूँ इस एपिसोड को एंड कर लेते हैं। सो गाइस, आप हमें कमेंट में बताइए कि हम इसे मॉब स्पॉनर बनाएं या फिर वो ड्राउंड फार्म। इसी के साथ वेनम के पास 3 बकेट आ चुकी है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और अभी मैं पहले सब सामान रख देता हूँ।
कॉल वो। अरे वेनम, इसको थोड़ा तू फर्नेस में भी तो डाल, तू हमेशा बहुत जल्दी जल्दी एपिसोड खत्म कर देता है। सॉरी भैया। और इस लेदर को भी रख देते, थोड़ा खाना भी अंदर रख देते, और एक कवच, एक कवच हम किसी पुतले तो को पहना देंगे कभी। और ऑगी, आज एंडिंग तुम दोनों में से एक कर लेना प्लीज, क्योंकि तुम्हारी आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो एंडिंग भी तुम ही करोगे। चलो पहले हम लोग अपने बेडरूम में चलते हैं। गाइस, आप लोगों के पास हमारे वर्ल्ड की सीड होगी, तो फिर आप हमें बताइए कि डायमंड कहाँ पर मिलते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिले। तब तक के लिए गुड बाय।